तो दोस्तों आज हम हेल्दी इंडियन रसोई में बनाएंगे इंडिया की फेमस डिश उपमा। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी बनने वाली रेसिपी है ये। इंडिया में ये लगभग सबको पसंद है, सभी इसको शौक से खाते हैं। तो आज हम बनाते हैं उपमा, आप भी हमारे साथ बनाइए। हम बनाएंगे सूजी का उपमा, जिसके लिए पैन गर्म हो चुका है और हमने घी ले लिया है। घी हम लेंगे और सूजी को इसमें सेकेंगे तो उपमा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। लोग बिना घी के भी बनाते हैं, बिना तेल के भी। आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाइए, पर इससे सॉफ्ट बनेगा ये बात है। घी से टेस्ट तो आता ही है उपमा में। हमने बहुत धीमी आंच करके सूजी को सेकना स्टार्ट कर दिया है। इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि सूजी लगे नहीं, ज्यादा ना सिक जाए कहीं से। और इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम सूजी को अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा हल्का कलर देखिए चेंज होने लगा है सूजी का। अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। बस ये सूजी जब तक ठंडी हो तब तक हम बनाते हैं इसके लिए वेजिटेबल्स। पैन गरम हो चुका है, हमने उसमें घी डाल दिया है और उसमें डालेंगे राई दाना। राई दाना थोड़ा फ्राई हो जाए तो उसमें डालेंगे हींग और डालेंगे अदरक के टुकड़े। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते थे। और डालिए हरी मिर्ची बारीक काट के और पीनट्स डाले हैं। उड़द दाल आधा चम्मच डालेंगे और करी लीव्स यानी मीठी नीम के पत्ते, जो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी नीम के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं और साउथ में तो नीम के पत्ते डलते ही हैं हर डिश में। और डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पे हमने प्याज को बारीक काटा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं। प्याज हमने फ्राई कर लिया है, इसको चलाते रहेंगे और हल्का जब कलर आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाले। अगर आपको उपमा में टमाटर पसंद है तो यहाँ पे जरा सा फ्राई होने के बाद आप उपमा में टमाटर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ बिना टमाटर बनाया हुआ है। मध्यम आंच पर हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को पकाएंगे। अब डालेंगे हम उसमें हल्दी, जीरा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ। अब हम डालेंगे इसमें सब्जियां, गाजर, मटर और फ्रेंच बीन्स डाला है हमने। आपके पास जो सब्जियां हो आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो बारीक कटे आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने गाजर यहाँ डाला है, गाजर अपनी मिठास छोड़ेगा उपमा में। और हमने चीनी को स्किप किया है उपमा में। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे सब्जियों को थोड़ी देर तक। थोड़ी देर तक सब्जियां भून लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे काजू और किशमिश, जो बहुत ही स्वाद बढ़ाएंगे। और डाला है हमने यहाँ पे पानी, पानी हम सूजी से डबल डाल रहे हैं। और हमने डाला है यहाँ पे नमक और हम उसको ढक्कन लगा देंगे अब पैन को। थोड़ी देर हमने सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दिया था। लगभग 2 से 3 मिनट सब्जियों पकने के बाद हमने इसमें डाला है सूजी जो हमने भून के रखी हुई थी। अब लगातार इसको थोड़ी देर तक इस तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर तक लगातार चलाएंगे क्योंकि लम्स आ जाएंगे नहीं तो। और उपमा वैसे भी बहुत ही हेल्दी तो होता ही है। सूजी बोलते हैं सुपाच्य होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चों के लिए भी उपमा बहुत अच्छा होता है, आप इसको तो कभी भी बना के खा सकते हैं। अभी हमने लगातार इसको चलाया है, पानी पूरा सोख चुकी है सब्जियां और सूजी। और देखिए हमारा उपमा लगभग तैयार होने वाला है। उपमा छोटी सी भूख के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों के टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं। शाम को चाय के साथ मेहमानों के आने पर परोस सकते हैं। हमारा उपमा लगभग तैयार हो चुका है, पर 1 मिनट और इसको हम धनिया डाल के ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये और अच्छे से बन जाए। धनिया डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के और छोड़ देंगे और उसके बाद धनिया को मिक्स कर देंगे और फिर एक बोल में डालेंगे। क्योंकि हमको उपमा को परोसना है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए हम इसको बोल का शेप देंगे। अगर आपको ऐसे ही परोसना हो तो थोड़ा हल्का उसको ठंडा होने दीजिएगा, तो फिर उपमा खिला खिला बनेगा। अब हमने इसको बोल में डाल दिया है क्योंकि हमने घी अच्छे से इस्तेमाल किया था और सॉफ्ट उपमा बनाया है जो खाने में और वैसे भी हेल्दी तो है ही। इसके ऊपर घी, घी बहुत ही स्वाद देता है उपमा को। अगर आपको हेल्दी इंडियन रसोई की रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें और लोगों से शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।